Hi everyone, this is Shalini Rawat from Dehradun and welcome back to our YouTube channel. And अभी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे ना उनके बारे में कुछ बोलना है, तो मैं आज जो है इस वाले ब्लॉग में बोल देती हूँ. वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, एक का नाम है सी से है क्रिस्टी और क्या नाम है ऐसे कुछ नाम है, अब आई डोंट नो वो लड़का है या लड़की है जो भी है, बट वो रेगुलर हमारे ब्लॉग्स देखते हैं एंड कॉमेंट भी करते हैं और मतलब काफ़ी अच्छे कॉमेंट करते हैं. बहुत ही अच्छा लगता है जब हमको कॉमेंट आते हैं एंड अच्छा लगता है कि कोई चलो देख रहा है हमारे ब्लॉग्स रेगुलर. और थैंक यू सो मच यार, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और कमेंट करते रहें. मैं रिप्लाई करती रहूँगी जब भी मुझे टाइम लगता है, मैं रिप्लाई पक्का करती हूँ और जब मैं नहीं देख पाती हूँ तो उसके लिए सॉरी यार. चल उठा दोस्तों, एक चीज़ दिखाती हूँ. हम इसको ऊपर ले गए हैं अभी मैं और निकी, इसको देखना है कैसे करता है. खोल चल अंदर जाने. बाबा कितना महंगा हो गया गैस. हाँ ओ शिट, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा. मैंने स्पेशली निकी के लिए ये टी शर्ट बनाया था, न्यू डिज़ाइन का टी शर्ट. और मैंने इसलिए बनाया था इसके लिए क्योंकि इसको मेरे कपड़े बनने का बहुत शौक है ना, तो इसलिए मैंने कहा चल तुम मेरी टी शर्ट का ये बना दे. जब तू वहाँ थी ना निकी, तो मैंने इसका एक बाजू जो है घर के काम के लिए निकाल दिया है और दूसरा बाजू तेरे लिए रखा हुआ ताकि तू जो है. हाँ ठीक, आज ऐसी रहने की ठीक है, ऐसी रहे बस. दूसरा भी काट देगी तब तो वो स्लीवलेस बन जाएगा. और निकी अपने कपड़े लेके नहीं आई है और मैं इसको देना नहीं चाहती अपने कपड़े ज्यादा ना, तो इसलिए जो है इसको मैंने कहा तो यही पहन. कपड़े तो लाई हूं मैं. कहाँ है कपड़े? कपड़े बहुत है मुझ पे. कहाँ है? पर नहीं तो यही पहन यार, इसमें अच्छी लग रही है. मैंने तेले स्पेशली तेले बनाया निकी, ये डिजाइन तेले बनाया स्पेशली. हम ऐसे किसी पे अच्छा नहीं लगता, वो बस तेरे पे अच्छा लगता है यार. वो देख कितनी प्यारी लग रही है यार, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही थी ना निकी. आजकल क्या है, आजकल तो कुछ भी कर दो फैशन ही हो जाता है. तो जब मैं उस बाजू को काट रही थी, मैंने कहा जब ये आएगी ना, मैं इसको पक, मैंने फेंकी नहीं हो टी शर्ट, मतलब बाकी पूरी नहीं काटी, मैंने कहा इसके लिए मैं एक डिज़ाइन बनाती हूँ और जब ये आएगी मैं इसको पहनवा के रहूँगी. तो अच्छी लड़की है निकी ने पहन भी लिया. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमने गुजिया वगैरह सब बना दी है और उसका मेन कारण मेरा ये था, मतलब कि मुझे जल्दी से निपटाना है ये वाला काम, क्योंकि आज हम लोगों ने खेलनी है कान्हा जी के साथ होली. और अगर हम वो काम नहीं निपटाते कल और फिर तब दिमाग में रहता है अरे यार ये भी बनाना है, वो भी करना है, ये सब करना है, तो नहीं हो पाता यार, हमसे तो नहीं हो पाता है ऐसे जल्दी. तो इसलिए जो है मैंने इसलिए कहा था कि हम जो है कल ही निपटा देंगे इसको और आज, ताकि हम आराम से अपने कान्हा जी के साथ जो है अपने लड्डू गोपाल के साथ होली खेल सके. तो भगवान जी के लिए ये हो गए हैं थोड़ा से फूल, यही थे हमारे पास अभी. और ये रहे, अरे यहाँ गिर गया, तो थोड़ा सी ये जो है कलर्स हमारे पास. और अब चलते हैं एंड खेलते हैं भगवान जी के साथ होली. Thank you.
दोस्तों हमने खेल लिया है होली भगवान जी के साथ, और निक्की जो है बहुत बदतमीज है यार, ये ना मतलब पता नहीं क्या क्या बोल, ये पीछे गाली नहीं जा रही इस लड़की का क्या होगा दोस्तों, दो सेकंड है, इसको पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। तो निकी को जो है कुछ होली का याद आ गया था, मतलब हमारे साथ एक तो पता नहीं होता भी क्या रहता है ना, तो इसलिए जो है उसको कुछ याद आ गया था, इसलिए हंस रही थी वो। और अब चलते हैं जरा ऊपर, ठीक है? हाँ चल चलते हैं। और मुँह धोते हैं, जल्दी चलो, क्यों भाई ट्रेन छोड़ रही है? कुछ खाएंगे ना चल। अच्छा चलो अब कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख भी लग गई यार, भूख तो सबसे पहले लगती है हमको। तो दोस्तों राइट नाउ आई एम सो हैप्पी क्योंकि निकी ने मेरी रील बनाई है, और मेरा बहुत मन कर रहा था रील बनाने का, तो उसने बोला चल मैं बना लेती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है बना ले, वैसे इतने आसानी से मानती नहीं है बट बना दी उसने, और काफ़ी टाइम लगा। तो अभी जो है मैं इसको मिटा देती हूँ, ये कलर वगैरह उसी का है, और मैं इंस्टाग्राम आईडी जो है वीडियो के नीचे दे दूँगी, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड चलो इसको पहले मिटा देती हूँ पहले, है ना, क्योंकि ना तो एलर्जी हो जाएगी यार, थोड़ा खुजली खुजली जैसा भी होने लग गया, गर्म जैसा हो रहा है तो इसलिए। बाकी निकी तो सोने की उसमें है, निकी तो सो रही है क्योंकि वो थक गई है अब, है निकी थक गई? अरे राम बहुत ज़्यादा थक गई यार वो। तुझे पता क्या हुआ? मैं डोरा को खाना देने गई ना, और वहाँ ना पता लोगों की ना गाने की आवाज़ आ रही है निकी, वो होली मना रहे हैं, मतलब ऐसे ना अच्छा लगता है ना जैसे सब साथ में हो एंड सारे के सारे इंजॉय कर रहे हो, तो अच्छा लगता है सर। तो मेरा मन भी बहुत कर रहा था, पता नहीं कहाँ बज रोक गया और गाने, काश हमको ही बुला लेते रे, कहाँ 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 हो तुम, कहाँ हो? शिट मैन निकी, इस बार हम टी शर्ट नहीं लेके आए सेम? नहीं अभी मैं गई थी बट मुझे ना उस टाइम क्या, मैं ना ला के रख देती थी अपनी टी शर्ट पहले ही, मतलब यहाँ पे। तो इस बार क्या हुआ, जो टी शर्ट्स थी वो साइज़ भी नहीं मिल रहे थे हम तीनों के सेम, और कुछ मतलब पतली सी थी, अजीब सी थी, तो इसलिए मैंने उस टाइम लिया नहीं, मैंने सोचा बाद में लूँगी, और ऐसे करते करते टाइम हो गया यार, और इस बार हमारा शिट मैन। और हम इतने साल से, मतलब काफ़ी कितने साल हो गए होंगे हमको, काफ़ी टाइम हो गया जब हम सेम कपड़े पहनते थे, मतलब होली पे, इस बार नहीं पहन पाएंगे यार हम, इस बार हम वो सेम टी शर्ट्स नहीं पहन पाएंगे यार, शिट हमारा ट्रेंड छूट गया इस साल का। एनीवेज देखेंगे जो बची होंगी, कोई वाइट होगी कोई, क्या पता लास्ट ईयर की जो बची होगी, बची मीन्स कि होता क्या है ना, जैसे कि अगर उसको धो लो तो कलर भी निकल ही जाता है, अगर तमीज के कलर होना जो वो तमीज से निकल जाते हैं, बट जो वैसे कलर रहते हैं पक्के वाले वो नहीं निकलते यार, अब देखना पड़ेगा यार, उसी से काम चलाना पड़ेगा। शिट यार, छी यार, मेरा मूड ऑफ हो गया सोते सोते, अब चलो छोड़ो यार, चलो बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं करा, एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बाय, हैप्पी होली।